और मेरे वाइफ की ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे आया था। मेरे ससुर जी ने मुझे बताया था कि उनका फर्स्ट टर्म जो हुआ था उनका बेटर था, उनको एक्चुअली नी रिप्लेसमेंट बोला था डॉक्टर ने, तो उनका यहाँ पे 50% कम हुआ है, तो इसीलिए उनके साथ ही हम सेकंड टाइम आए हैं। तो हमारा फर्स्ट टाइम है, उनका सेकंड टाइम था। तो मेरे वाइफ को एक्चुअली बहुत दर्द था, वो डॉक्टर ने फॉरवर्ड बेंडिंग करने के लिए मना किया था। और बहुत बार ऐसा हुआ कि सभी ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर के पास जाने के बाद एक ही चीज़ थी, विटामिन डी कमी है, कम है, कैल्शियम कम है, B12 कम है, और आप एक्सरे कीजिए, MRI कीजिए, या फॉरवर्ड बेंडिंग मत कीजिए। तो उसको बहुत पेन होता था 2017 से, जब मिसकैरेज हुआ उसका, तब से लेके अभी 7 साल तक कंटिन्यू उसको बैक पेन है, और लोअर बैक पेन स्पेशली। तो यहाँ पे एक 5 दिन के डिफरेंस से हमें पता चला कि वो काफ़ी हद तक उसका पेन रिलीफ हो गया है, और वो सहजता से चल पा रही है अच्छे से, या फिर बैठ पा रही है। नहीं तो थोड़ा देर ज़्यादा देर बैठने के बाद उसको तकलीफ होती थी, अभी उसको काफ़ी रिलीफ मिला है। तो यहाँ पे डॉक्टर पराशर जी और उनके सब फैमिली मेम्बर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने 5 ही दिन में इतना मिरेकुलस रिजल्ट दिया है, और उनके हाथों में सही में जादू है, उन सभी के हाथों में। तो मैं सभी से आपको अपील करना चाहता हूँ कि एलोपैथिक मेडिसिन लेने से कहीं गुना बेटर है। यहाँ पे सर्विस भी इतनी अच्छी है, सभी सेवा भाव से इतना अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, चाहे वो रूम हो या बेड हो, कोई भी ले लो, सबके लिए बेस्ट खाना है। मुझे तो लगता था कि अभी तक मैंने बिना प्याज लहसुन का खाना नहीं खाया, मगर यहाँ पे इतना टेस्टी हो सकता है बिना प्याज लहसुन का खाना, ये भी एक्सपीरियंस किया। यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, और प्लीज़ मैं सभी को रिकमेंड करूँगा कि ये पेन अगर आपको बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे आ जाइए, और यहाँ पे आपको सहजता से मुक्ति मिलेगी पेन से, और विदाउट एनी मेडिसिन। थैंक यू वेरी मच। श्री सांवरलाल ऑस्टियोपैथ चैरिटेबल संस्थान जोधपुर।